कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो की अंतिम यात्रा मंगलवार को मांडर से रांची पहुंची। इस यात्रा में हजारों शोकाकुल लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ में सबकी आंखें नम थी। मांडर से रांची के बीच जहां जहां कार्डिनल का पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों ने उन्हें नमन किया और उनके अंतिम दर्शन किए। रास्ते में भीड़ इतनी थी कि इस अंतिम यात्रा को मांडर से रांची पहुंचने में 4 घंटे लगे। 33 किलोमीटर के इस सफर के दौरान पूरे रास्ते में लोगों ने कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो के सम्मान में मानव श्रृंखला बनाई। आज सुबह 10:30 बजे मांडर के मिशन अस्पताल से कार्डिनल के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शुरू हुई। यहां से ब्राम्बे, रातू, काठीटाड़, तिलता, दलादली चौक, कटहल मोड़, अरगोड़ा, कडरूम, मेन रोड, सर्जना चौक होते हुए पुरुलिया रोड पहुंची। उनके पार्थिव शरीर को पुरुलिया रोड स्थित संत मेरियम चर्च में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। कल यानी कि बुधवार की सुबह 8 से 12 बजे तक आम लोग पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 1 बजे धर्म विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। साथ ही अंतिम यात्रा में खिजरी विधायक राजेश कश्यप भी मौजूद रहे और उन्होंने कार्डिनल टोपो के प्रति संवेदना व्यक्त की। महामहिम कार्डिनल ये कोई भारत देश के लीडर नहीं थे, ये पूरे विश्व के लीडर थे और हमारा सौभाग्य था। और उसमें भी आदिवासी कार्डिनल पहली दफ़ा ये कार्डिनल हुए थे स्वर्गीय टेलेस्फोर पी टोपो जी। और निश्चित तौर से ये सिर्फ सिर्फ ये दक्षिण छोटानागपुर के लिए, झारखंड के लिए नहीं हुआ, क्षति पूरे भारतवर्ष में हुआ। एक नाम था कार्डिनल का होना उस देश के लिए बड़ा गौरव की बात है। पूरे एशिया में हमारे यहाँ से भारतवर्ष में, उसमें भी झारखंड प्रदेश दक्षिण छोटानागपुर से ये कार्डिनल हुए थे। और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इनसे जब भी मिलने का अवसर मिला, जब भी इनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, यहाँ के जनजातियों का उत्थान कैसे हो, यहाँ के जो मूलवासियों का उत्थान कैसे हो, ये एक धार्मिक गुरु होने के बावजूद यहाँ के लोगों का कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यहाँ का जो सांस्कृतिक विकास कैसे हो, इस पे हमेशा चिंतित रहते थे। और कार्डिनल वैसे शख्सियत थे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इस विश्व में अगर हमारे पोप से अगर मिलना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अगर मिलना हो तो उनसे बकायदा ये टाइम लेना पड़ता है। वो शख्सियत थे। अगर ईश्वर अगर इनकी अगर लंबी आयु देते, अगर लंबी आयु अगर इनका होता, तो आज मुझे यकीन था कि एक आदिवासी समाज में पहली दफ़ा उस लाइन में खड़े थे कि इस देश, इस विश्व का जो लीडरशिप, जिसको कहा जाता है कि पोप, वो एक सर्वोच्च धार्मिक पद है, अगर उस पद पे अगर विराजमान होते, जिसमें हम लोग तमाम लोगों को एक उम्मीद था। और पहली दफ़ा पूरे अभी तक का इतिहास में पहली दफ़ा एक आदिवासी समुदाय से लोग इस पद पर पहुँचते, ये क्षति सिर्फ कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं है, ये क्षति सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी का नहीं है, ये क्षति संपूर्ण झारखंड के लिए बड़ा क्षति है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मांडर में वन वे रूट कर दिया गया था। इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की गई थी। कुल 10 थानों पर मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। रांची के मेन रोड, कटहल मोड़, कडरू और पुरुलिया रोड में पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो का 4 अक्टूबर को निधन हो गया था। इसके बाद से उनका पार्थिव शरीर मांडर में ही रखा गया था। बुधवार को शव के अंतिम दर्शन के बाद दोपहर 1 बजे से लोयला मैदान में प्रार्थना होगी। इसके बाद सेंट मेरिया गिरजाघर में अंतिम संस्कार की धर्मविधि संपन्न की जाएगी।